आलू बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले ऑयल गरम कर उसमें हम पोटैटो को डीप फ्राई कर लेंगे। आलू को हमें इतना फ्राई करना है कि इस पे ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाए। आलू को निकाल लिया है हमने अलग प्लेट में, अब हम इसी ऑयल में बैंगन को भी डीप फ्राई कर लेंगे। बैंगन जब सॉफ्ट दिखाई देने लगे तो इसे हम निकाल लेंगे। अब मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है। अगर आप बैंगन को मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, ज़ीरा हमारा पॉपअप हो गया है। अब हम इसमें स्लाइस किए हुए अनियन को ऐड कर देंगे। इसे स्टिर करते हुए हमें सौटे कर लेना है। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे और इसे कुक करेंगे। अब इसमें जाएगा नमक, इससे टमाटर जल्दी गल जाएंगे। बहुत ही कॉमन मसाले हैं जिसमें है धनिया पाउडर, मिर्च, हल्दी, अमचूर पाउडर, काला नमक और ये मैगी मसाला ले लीजिए आप, या फिर सब्ज़ी मसाला आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो मसाला आप इसमें डाल सकते हैं। डाल के हम मसालों को भूनेंगे। जैसे ही मसाला थोड़ा भुन जाएगा इसमें हम पानी को ऐड कर देंगे और फिर स्टिर करते हुए इसे हम पकाएंगे। अब हमें मसाले को इतना भूनना है कि इसमें से तेल अलग हो जाए। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू और साथ में बैंगन को ऐड कर देंगे और इसे मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करते हुए हमें इसे कंटिन्यू पकाते रहना है और बस अब हम इसे कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए पकाएंगे। हमने 10 मिनट इसे कवर करके पका लिया है, अब हम इसे खोलकर देखेंगे। ये देखिए हमारी सब्ज़ी से ऑयल पूरी तरीके से निकल गया है और ये सब्ज़ी भी अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। हमारे बैंगन आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार है, अब हम इसे सर्व करते हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।